कनौज गांव में असामाजिक लोगों ने मामूली सी विवाद में विधवा महिला के घर में लगाई आग। महिला ने थाने से लगाई न्याय की गुहार। नवादा जिला अंतर्गत अकबरपुर थाना क्षेत्र के कनौज गांव में मामूली सी विवाद को लेकर गांव के ही असामाजिक तत्व के लोगों ने एक विधवा महिला ललिता देवी पति स्वर्गीय नीरज राजवंशी के घर में आग लगा दिया, जिसमें खपरेल मकान समेत लगभग 1 लाख की संपत्ति जलकर खाक हो गई। पीड़ित महिला ने अकबरपुर थाने में आवेदन देकर अपने ही गाँव कनौज के 4-5 लोगों पर घर में आग लगाने का नामजद आरोप लगाते हुए थाने से न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित महिला ने बताई कि गांव के ही छोटू राजवंशी लाली देवी अपने परिवार के 4-5 लोगों के साथ घर पर आकर गाली गलौज करने लगा। जब हम गाली देने से मना किए तो सभी लोग मिलकर हमारे साथ मारपीट करने लगा। लड़ाई होते देख आसपास के लोग बीच बचाव कर छुड़ाया। तब छोटू राजवंशी और लाली देवी ने 4-5 लोगों के साथ घर में आग लगाने की धमकी दिया और रात में जब हम खाना खाकर सो रही थी तो इन सभी लोगों ने मेरे घर में आग लगा दिया, जिसमें घर समेत घर में रखे चावल गेहूं कपड़ा सभी सामान जलकर राख हो गया। खाने के लिए एक भी दाना नहीं बचा, जिसमें लगभग 1 लाख की संपत्ति जल गया। ग्रामीणों के काफ़ी मकसद के बाद आग बुझाया गया। जब तक लोग आग पर काबू पाया तब तक घर का एक कमरा और उसमें रखे सभी सामान जलकर खाक हो गया।